मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और ये मेरे मदर है, इनका नाम कैलाशवती शर्मा है और हम दिल्ली से आए हैं। कुछ टाइम पहले मेरे मदर्स को खाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने हमें सीटी स्कैन के लिए बोला। हमने सीटी स्कैन कराया तो उन्होंने कहा कि इनको फूड पाइप में प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि एक बार डॉक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, फरीदाबाद सेक्टर 8 में है। तो हमने यहाँ पर आकर डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमें डॉक्टर ऑक्यूलॉजी के मिले डॉक्टर शिवम बत्सल, और उन्होंने इनका पेट सीटी और कुछ टेस्ट कराए जिसमें इनका कैंसर डिटेक्ट हुआ फूड पाइप का। तो उन्होंने हमें ट्रीटमेंट बताया और ऑपरेशन के बारे में बताया कि ऑपरेशन है होगा और तभी ये ठीक होगा। और जो फूड पाइप का ऑपरेशन था वो बहुत बड़ा था पहले, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो छोटे ऑपरेशन से ही उन्होंने उसको ट्यूमर को रिमूव कर दिया। 15 से 20 दिन पहले ही मदर का ऑपरेशन हुआ है और वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर शिवम बत्सल का और सर्वोदय हॉस्पिटल का थैंक्स कहना चाहूँगा। कमलेश्वरी जी, हमारे पास खाने की नली में प्रॉब्लम के लिए आई थी, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनको खाने की नली का कैंसर CA esophagus। इनिशियल इलाज में उनको कीमो और रेडिएशन मिला, जिसके बाद हमने सर्जरी के लिए उनका प्लान किया। ऑपरेशन उनका पूरा दूरबीन के जरिए हुआ, जिसमें छाती में 3 छोटे छोटे छेद करके हमने पूरा इसोफेगस को मोबिलाइज किया और पेट में फिर दूरबीन से खाने की नली बना के छाती में चढ़ाई और गर्दन में उसको जोड़ा गया। दूरबीन से इस ऑपरेशन को करने में इस ऑपरेशन की जटिलताएँ खत्म हो जाती हैं और मरीज बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस जा सकता है और इस ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस मॉर्बिडिटी बहुत नहीं के बराबर खत्म हो जाती है।